जय श्री गणेश जी। मैं होस्ट संध्या सक्सेना स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम आपको अपनी राशिफल बता रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य आपका बैलेंस रहेगा, आपका धन संपत्ति बनी रहेगी, पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा है, प्रेम का संबंध भी अच्छे रहेंगे, व्यवसाय आपका उन्नत रहेगा और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर बैलेंस है, मतलब पटरी आपकी थोड़ी तालमेल के साथ, लेकिन काम आपके बनते रहेंगे। आपको करना क्या है, आपके लिए 6 रंग शुभ रहेगा, आरा फिरोजे रंग पहनेंगे, भगवान गणेश की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना है, धन संपत्ति के मामले में कहूँगी काम हो जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा और व्यवसाय के मामले में यही है, परिवार प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा है, बेहतर बना हुआ है। आपको 5 नंबर आपके लिए शुभ रहेगा, भाग्य रहेगा और आपको जो काला ऊनी कंबल जो है, यदि आप किसी को दान करते हैं तो इससे आपको केतु की सुरक्षा मिलती है। आपके लिए जो शुभ है रंग है सलेटी है, तो और भाग्य अंक आपका लकी नंबर 5 रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपको जो है स्वास्थ्य के मामले में बढ़िया रहेगा, धन संपत्ति में थोड़ी सी आपको खिंचावट है, यानी कि पैसे की थोड़ी तंगी बनी रहेगी, परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा बना हुआ है और प्रेम संबंध आपके अच्छे हैं, व्यवसाय में भी आपका थोड़ा बहुत ठीक ही ठाक है और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। देखिए उतार चढ़ाव जो भी है, मैंने हमेशा से कहा है कि 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, बैलेंस बना के रखना पड़ता है लाइफ में। आपका 3 नंबर आपके लिए लकी रहेगा और आपको गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए और घर में एक्वेरियम रखिए या मछली को चारा डालेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आती है हमारे पास अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपको क्या करना है, आपको अपने आप को तरोताजा बनाए रखना है, स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा दिक्कत करता है, धन संपत्ति में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, परिवार के साथ बैलेंस रहेगा, प्यार में आपकी थोड़ी दिक्कत है, वैवाहिक जीवन में भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि आप लोग थोड़े से कर्क राशि वाले जो हैं जल तत्व से प्रभावित होते हैं इनका, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि इनके वो चंद्रमा बड़ा हावी रहता है, चंद्रमा है कर्क राशि के स्वामी, तो इसलिए आप थोड़ा परेशान रहते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते नहीं हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, तो जो दिल से ज़्यादा सोचते हैं उनको दिक्कत होती है। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए ये है कि आपका शुभ रंग जो नंबर जो है आपका 7 नंबर लकी है, शुभ रंग आपके लिए सलेटी रहेगा और गेहूं या गुड़ चना जो है गैया को खिलाइए, गाय को खिलाएंगे, हरा चारा गाय को खिला सकते हैं, तो इससे निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आती है सिंह राशि। सिंह राशि वाला, स्वास्थ्य आपका डामाडोल है, थोड़ा बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, धन संपत्ति के मामले में भी बहुत अच्छा नहीं है, परिवार में भी थोड़ी खटपट हो सकती है, प्रेम संबंध अच्छे हैं, व्यवसाय भी अच्छा है और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा है, थोड़ा सा आपको अपने परिवार की तरफ देखना है, थोड़ा सा धन संपत्ति के बारे में देखना है और सामान को थोड़ा सा आराम से रखिएगा, चोरी ना हो जाए। आपका नाम 5 नंबर भाग्य अंक है, आपको लाल मरून रंग पहनना चाहिए और घर में जो है आपको हनुमान जी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य आपका अच्छा है, धन संपत्ति का मामला भी आपका अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, प्रेम संबंध व्यवसाय और वैवाहिक जीवन, मतलब टोटल मिला के ऑल ओवर अगर हम देखें, प्रेम संबंध अच्छे हैं, व्यवसाय भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है और शादीशुदा जिंदगी भी आपकी अच्छी है, फिर भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है लाइफ में, क्योंकि मैंने आपको बताया 100% कभी हुई होता ही नहीं है, तो थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है। कन्या राशि वालों, 4 नंबर आपके लिए शुभ रहेगा और आपको क्या करना है, आपको माँ लक्ष्मी की सेवा पूजा पाठ करनी चाहिए, इससे आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा और आप क्या कर सकते हैं, पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पर आती है तुला राशि। तुला राशि वालों, आपका दिन कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य आपका अप एंड डाउन के साथ रहेगा, थोड़ा सा तनाव हो सकता है आपको, धन संपत्ति के मामले में टाइम अच्छा है, परिवार के साथ भी तालमेल अच्छा बना रहेगा, लेकिन प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपके थोड़ी सी दिक्कत आएगी, व्यवसाय भी आपका ठीक ठाक ही रहेगा, मगर फिर भी अंधविश्वास मत कीजिएगा। और मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ कि संबंध चाहे आपके प्रेम संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो या आपका बिजनेस भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा सोच समझ लिया करो, अंधविश्वास तो कभी किसी पे भी नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए क्या है, 6 नंबर आपके लिए लकी रहेगा और आपके लिए जो कपड़ा है हरा फिरोजी पहनेंगे तो फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ थोड़ा सा तीर्थ स्थान पे तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा कुछ खिला दीजिए बच्चों को, बच्चे खुश हो जाएंगे तो आपका दिन भी
अच्छा और खुशनुमा बन जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों आपका दिन अच्छा है, बढ़िया है। थोड़े बहुत अप एंड डाउन से मैंने आपको हमेशा से बोला सभी की लाइफ में लगा रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य आपका अच्छा है, धन संपत्ति का टाइम भी अच्छा है, पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा, परिवार आपका बढ़िया रहेगा, प्रेम संबंधों में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वैवाहिक जीवन में भी कोई दिक्कत नहीं है। और बिजनेस में बस इतना ध्यान रखना है, कुछ भी करें, कुछ भी पढ़ें लिखें पहले, उसके बाद साइन करें। तो अब हम आपको बता रहे हैं आपके लिए 8 अंक शुभ रहेगा। आपको काला या स्लेटी रंग पहनना चाहिए। शनिदेव की थोड़ी पूजा पाठ करेंगे, थोड़े से सूर्यदेव का भी पूजा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे आती है धनुराशि। धनुराशि वाला आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बढ़िया है, लेकिन पैसे के मामले में थोड़ा झोल हो सकता है। पारिवारिक संबंध आपका अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध में भी थोड़ा सा आपको फालतू के डाउट, यानी कि आप खुद से डाउट्स करते हैं, तो दिक्कत आप ही को है। व्यवसाय आपका अच्छा है और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कुल मिला के फिर भी टाइम आपका अच्छा है। आपको क्या करना है धनुराशि वालों, आपका शुभ अंक 5 है, लाल रंग आपके लिए शुभ रहेगा और आपको माता लक्ष्मी की पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आती है मकर राशि। मकर राशि वालों स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, धन संपत्ति के मामले में बोलूँगी ये पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक स्थिति, परिवार की स्थिति आपके लिए अच्छी है, प्रेम संबंध अच्छे हैं, व्यवसाय भी आपका ठीक ठाक है और वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं है कि नॉर्मल चलेगा। 5 नंबर आपके लिए शुभ रहने वाला है और मकर राशि वालों हरा फिरोजा कलर आपको पहन लेना चाहिए और गाय कुत्ता कौवा इनको रोटी देंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ मकर राशि वालों आपको समझा देती हूँ, आपको लोग आते हैं शनि की राशि में, ठीक है, 7:30 ही चल रही है, अंतिम आप पे चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे आगे हमारी जो नेक्स्ट राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि की 7:30 चल रही है इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। तो कुंभ राशि वालों आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन संपत्ति भी ठीक रहेगी, परिवार में थोड़ा क्लेश हो सकता है, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन या व्यवसाय में थोड़ी दिक्कत आएगी। कुंभ राशि वालों आपको पहले बता देती हूँ कि आप सभी के ऊपर शनि की 7:30 चल रही है, इसलिए आपको एक उपाय दूंगी कि अगले 27 शनिवार तक या 26 शनिवार तक रोज एक नारियल लेना है सिर्फ शनिवार को, उसमें कसार भरना है। कसार तो आप जानते हैं ना, जो आटे को देसी घी में तलते हैं उसके बाद उसमें चीनी मिला देते हैं, उसे ठंडा कर देते हैं, उसमें पंचमेवा डाल सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। उसको गोले में जो ड्राई कोकोनट होता है उसमें डाल के भर दो, उसको टॉप लगाकर उसको कलावे से थोड़ा बांध दो और उसमें एक छोटा सा एक सुराख कर दो। उसके बाद उसको क्या करना है, अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार उतारना है, बोलना है कि मेरे शरीर पे, मेरी आत्मा पे जो भी मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, पाप है, जिसकी वजह से शनिदेव मुझसे नाराज है, कोई भी देवी देवता या ग्रह नाराज है, उसको क्षमा करें और इसके लिए मैं चींटियों को भोजन कराने की व्यवस्था करा रहा हूँ या करा रही हूँ, और मुझ पे, मेरे शरीर पे से, मेरी आत्मा से, इस जन्म के पिछले सभी जन्मों के जो भी दुष्प्रभाव है, हाय पाप बद्दुआ शाप, सबको ख़त्म करें। बस ऐसा करके आपको वो पूरा का पूरा नारियल जो है रख के आना है, कहाँ, पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ की जड़ के पास, थोड़ा खोद के गड्ढा में गाड़ देना, थोड़ा अपने ऊपर खोला हुआ है तो चींटी अपने आप लग जाएगी। इस उपाय को कीजिएगा, शनि की 7:30 आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी, क्योंकि जो लोग चींटियों का सेवा करते हैं शनिदेव उनको परेशान नहीं करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, हमारी जो राशि है वो बताऊंगी, लेकिन कुंभ राशि वाला आपका स्वास्थ्य ठीक है, धन संपत्ति भी ठीक है, परिवार में आपका खटरपट हो सकती है, थोड़ा बहुत प्रेम संबंध व्यवसाय और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो है ही, मैंने आपको बता दिया है। 3 नंबर आपके लिए शुभ है, आपको सिल्वर स्लेटी कलर पहनना चाहिए। चांदी से बनी हुई कोई गाय का दान कर सकते हैं या गाय की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हमारी जो अब लास्ट की जो राशि आती है वो आती है मीन राशि। तो मीन राशि वालों आपका स्वास्थ्य डगमगाएगा, थोड़ा बहुत धन संपत्ति आपके पास बनी रहेगी, परिवार संबंध आपके अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंध भी अच्छे हैं, व्यवसाय में अप एंड डाउन थोड़ा बहुत, वैवाहिक जीवन की स्थिति भी बैलेंस के साथ बनी रहेगी, बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत बुरी भी नहीं है, हो सकता थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको 9 नंबर आपकी लकी है, लाल रंग आपको पहनना चाहिए, माथे पे केसर का तिलक लगाइए, भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खुश रहिएगा। समस्या हो तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।